ऑमलेट मेरा टूट गया। सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? आप ठीक ठाक है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो है ना मेरे साथ बड़ा अजीब सा वाकया हुआ। अजीब वाकया क्या हुआ कि पेट में जो थे ना चूहे भाग रहे थे, उन्हें लगी थी बड़ी जबरदस्त किस्म की भूख। तो मैं क्योंकि घर में अकेला था, घर वाले गए हुए घूमने और मैं घर में अकेला, क्योंकि मुझे अकेला रहने में बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने सोचा कि अपने लिए मैं कुछ बनाऊँ, पर जब मैं किचन में आया ना, तो जब मैंने फ्रिज खोला तो उसमें कुछ नहीं था। फिर मैंने सोचा मैं ऑमलेट वगैरह बना दूँ, फिर अंडे भी नहीं मिले, डबल रोटी भी नहीं मिली, मक्खन भी नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ठंडा पड़ गया, मैंने कहा ठंडा पड़ गया थोड़ा यार क्या है, कुछ भी नहीं। फिर मैंने कहा नहीं भूख लगी है, तो फिर मैंने ना गाड़ी निकाली और मैं गया स्टोर पे। स्टोर पे जब मैं गया तो मैंने कहा एक दर्जन अंडे दे दें, एक डबल रोटी दे दें, एक ऑयल का पैकेट दे दें। और आपको पता है जैसे माशाल्लाह ऑयल की कीमत जो है वो आसमानों को छू रही है, 600 से 700 रुपये किलो, ठीक है। तो मेरा बिल बनता था 1000 रुपया। मैंने कहा नहीं, अगर इससे अच्छा तो है ना मैं किसी रेस्टोरेंट से कुछ मंगा लूँ। फिर मेरा क्योंकि अंदर भी था कि मैंने कुछ ना कुछ बनाना है, तो मैंने उनको कहा कि ऑयल को आप कर दे साइड पे। मैंने फिर उनसे लिया एक मक्खन की टिक्की, ली एक डबल रोटी, लिए अंडे लिए और मैं घर आ गया, ठीक है। जब मैं घर आया ना तो किचन में मक्खन पड़ा हुआ था, फ्रिज के अंदर थोड़ा सा मक्खन पड़ा था, मैं कहा पहले यूज़ करते हैं। आप देखते रहे इंडियन के वो हर चीज़ जो है ना वो मक्खन में बना रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं ऑमलेट और जो दोस्त है ना वो अपने लिए मक्खन बनाऊँ। मैं आपको दिखाता हूँ मैं चीज़ें पहले रखती हूँ। ये मेरा नया मक्खन है, ये पुराना मक्खन है। देखिए 200 रुपये का मक्खन लिया था, 100 रुपये की डबल रोटी आ गई, 200 रुपये के दर्जन अंडे और ये मेरे प्याज काटे। क्यों? कि टाइम बच जाएगा। अब ये जो मक्खन है ना इसको मैं डालूंगा उसके अंदर, 2 अंडे तोड़ूंगा, प्याज को इधर डालूंगा और उस पर डालूंगा। अच्छा ये काम करते हैं, पहले ये जो प्याज है ना प्याज को इसके अंदर डालते हैं, प्याली के अंदर। इतना प्याज काफी है, मैं ना वो नहीं डालता टमाटर वगैरह ये वाला, तो इसलिए जो है ना ये 2 अंडे जो है ना, अब एक पहला अंडा डाल रहा हूँ मैं, ये मैंने इधर रख दिया। अब ये दूसरा अंडा मिला जो है ना, 2 अंडे हो गए जी। इनकी अब हम लगाएंगे फेंटी, इसकी दोनों अंडों की लगाऊंगा मैं अब फेंटी। अच्छा अब इसमें जो है ना थोड़ा सा नमक मिर्च डालना तो बनता है ना, वो भी मैं लेता हूँ, वो मैं काम गया मेरा नमक मिर्च। ये देखें ये नमक आ गया, ये मैंने चुटकी से नमक लेके डाला। अच्छा ये मक्खन हो गया, अब मैं जो है ना इसमें जो मैंने अंडा फेंटा था ना, अब मैं ये इसमें डालने लगा हूँ, उसके बाद देखेंगे कि क्या बनेगा। आज मैं पहली दफ़ा मक्खन में ना ऑमलेट बना के खाने लगा हूँ। वैसे मैंने तोसों के ऊपर जो है ना मक्खन बड़ा लगा के खाया, पर आज मैं पहली दफ़ा ये काम करने लगा हूँ। ये अब आप देख रहे हैं मक्खन का भी अपनी अपनी झाग है, और अब जब बनेगा तो पता चलेगा कैसा बना है। ये है कि पर हैवी होने वाला काम मक्खन और अंडा जो है, इसको मेरे ख्याल हम 2 मिनट रख देते हैं। आज एक अनोखा काम भी करें, ये 2 तोस हैं, इन 2 तोसों को भी इसके साथ रखते हैं। पूरा इंडियन स्टाइल ऑमलेट, वो जैसे इंडियन में बनाते हैं ना, इंडिया में बनाते हैं ना ऑमलेट, वैसे बना रहा हूँ मैं। आज मैंने सोचा है कि मैं वो इंडियन स्टाइल ऑमलेट बनाऊँ, कैसा बनेगा मुझे नहीं समझ आ रही कि अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, पर मैंने कहा मैं भी ट्राई करके देखो ना। वीडियो तो हम देखते रहते ना उसमें, ये लोग ये ओहो ऑमलेट मेरा टूट गया। कोई बात नहीं, पहली ट्राई थी ना तो, पर अच्छा कुछ ना कुछ तो सैंडविच बनेगा अंडे वाला। अरे मेरा ऑमलेट, आप लोगों ने इसको देख के परेशान नहीं होना। आज मैंने पहली ट्राई की है ना, ये मैं दोबारा भी ट्राई करूँगा दोबारा, पर ये है कि जो भी चीज़ है ना वो मुझे लग रहा है कि मज़ेदार बनी है। अच्छा वैसे भी उसने 2 हिस्सों में तकसीम होना था ना, ये देखें ये बन गया ना टोस्ट ऑमलेट सैंडविच। ये चेक कर मक्खन, ये है कि शुक्र ऑयल नहीं है मक्खन है, पर ये मेरी क्योंकि पहली अटैम्प्ट थी ना इसलिए मुझे माफ़ी दे दें। इसको जो है ना मैं सैंडविच को ये मैं ख़त्म करता हूँ और आपसे मैं मिलूँगा किसी और नई वीडियो में, किसी और नई जगह पे, किसी और नई डिश के साथ। अगर आपके जहन में भी कोई हो अच्छी चीज़ तो आपने मुझे ज़रूर बतानी है। जाते जाते आप अपना हमारा चैनल जो है फूड वॉट वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो के बारे में भी ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगी। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।